हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। डॉक्टर साहब, नालों की सफाई को लेके आपने सवाल उठाए हैं, क्या कुछ बताएंगे? देखो, खरखोदा में नालों की सफाई नहीं हो रही, सिर्फ ये ठेकेदार या नगर पालिका जो भी है वो सिर्फ पैसे बना रही है। ये लोग सुबह आए JCB लेकर और इन्होंने लेंटर फाड़ने शुरू कर दिए, लेंटर फाड़ के, और इन्होंने JCB से ही वो पानी और गाद निकाल रहे हैं और ट्रॉली में डाल दी। उसमें वो कोई गाद नहीं निकल रही थी। मैंने कहा कि भाई ये नाले जो गली है, गली के ऊपर से लेंटर मत तोड़ो। इन्होंने लेंटर तोड़ दिया। अब इस गली में से पीछे मकान लोग नए नए मकान बना रहे हैं, वहाँ पर डस्ट रोड़ी जाती है, ईंटें जाती हैं। अब वो इस एरिया लेंटर इतना कमज़ोर हो गया कि इसके ऊपर से जब ट्रक जाएगा तो पक्की बात है कि ट्रक पलटेगा। और नगर पालिका वालों को ये कहें कि भैया ऐसा होगा तो बोला नहीं होगा जी, भैया हम आपकी शिकायत कर देंगे। तो कहते हैं कि आपको जहाँ जो कुछ करना ना कर लो, जल्दी करो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, मेरे यहाँ से मत रोको। फिर बोला आपके यहाँ से बाल्टी मार देंगे। बाल्टी मारने के बाद आई तो बाल्टी ये बाल्टी वगैरह लेके आए, इन्होंने तीन तीन बाल्टी मारी और बोले जी हो गया सफाई। मैं बोला कि तुम मेरे सामने बाल्टी मार के दिखाओ। मेरे सामने बाल्टी मारी तो मैंने मीडिया को भी बुलाया और उनके सामने बाल्टी मरवाई तो देखो अभी भी गाद है, पूरे नाले भरे खड़े हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने का सिस्टम खरखोदे में चला हुआ है कि नाले लेंटर फाड़ दो और JCB से उस पानी को गिदड़ा दो। पानी बिल्कुल नाला, अगर सफाई हो गई है तो नाले का पानी नीचे क्यों नहीं उतरा? सफाई हो गई है तो बाल्टी में गाद कैसे आई? इन सब चीज़ों का क्वेश्चन होना चाहिए। मेरी तो प्रशासन से और पर्टिकुलरली कल होने वाले CM साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस नगर पालिका के ऊपर एक्शन लिया जाए। सर क्या मानते हो, चार डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं? आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।